हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को हाल ही में बनके तैयार हुए फरकपुर रेलवे अंडरपास की पैदल सैर करवाऊंगा। फरकपुर जो कि जगाधरी वर्कशॉप का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक कस्बा है। इस रेलवे अंडरपास से पहले फरकपुर के लोगों को रेलवे फाटक पार करके जगाधरी वर्कशॉप और यमुनानगर जाना पड़ता था, और जगाधरी वर्कशॉप और यमुनानगर के लोगों को भी इस रेलवे फाटक को पार करके ही फरकपुर जाना पड़ता था। रेलवे फाटक काफ़ी देर तक बंद रहता था, जिसकी वजह से लोगों का बहुत ही ज़्यादा कीमती समय नष्ट हो जाता था। रेलवे अंडरपास की डिमांड बहुत ही पुराने समय से थी, और फाइनली इस नव वर्ष को मीन्स 2021 के जनवरी माह में यह बनकर तैयार हुआ और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यह अंडरपास रेलवे फाटक से, जहां से पहले आप क्रॉसिंग करते थे, वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसे काफ़ी हवादार बनाया गया है। चारों तरफ से रोशनी दिन के समय इसमें आती रहती है। बारिश से बचने के लिए इसके ऊपर एक टीन शेड दिया गया है, जो कि काफ़ी मजबूत है। रात के समय इस अंडरपास को जगमग रखने के लिए LED लाइट्स दोनों तरफ लगाई गई हैं, बट अभी बिजली का कनेक्शन ना मिल पाने के कारण LED लाइट जो हैं अभी नहीं जल पाती, पर उम्मीद है कि LED लाइट जो हैं वो कनेक्शन मिलने के साथ जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। इस अंडरपास से 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर जैसे कि ट्रॉली कार बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं, बट अगर ट्रक की बात करें या फिर बस की बात करें तो उसका इस अंडरपास से निकलना मुश्किल होगा। इस अंडरपास में एक टनल भी बनाई गई है, जो कि आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। इस टनल की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट है। अभी वहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, वहाँ पर मैं आपको अभी स्केल में दिखाऊंगा कि यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो 15 फीट मेंशन की गई है। और इसी टनल के बिल्कुल ऊपर रेल की पटरियाँ हैं, जहाँ से ट्रेन्स जो हैं वो होकर गुजरती हैं। वैसे तो ये अंडरपास बहुत ही मजबूत बनाया गया है, बट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। बट इसमें मुझे जो एक चीज़ की कमी लगी, वो दोस्तों मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक डेडिकेटेड फुटपाथ नहीं बनाया गया है। अगर आप इसमें पैदल चल रहे हैं तो बड़ी सावधानी से आपको इसमें चलना होगा, क्योंकि गाड़ियां जो हैं यहां से बहुत ही स्पीड से लोग निकालते हैं। बट मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसमें गाड़ियां जो हैं वो कम स्पीड पर चलाएं, और यहां पर दुर्घटना की संभावना को ताकि कम किया जा सके। तो अब हम धीरे धीरे टनल के दूसरे एंड पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी सी टनल है, बट काफ़ी अच्छी सी खूबसूरत लगती है। इस अंडरपास की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये टनल। एक अटल टनल भी मशहूर है काफ़ी जम्मू कश्मीर की, तो हमारे शहर में भी एक टनल जो है रेलवे अंडरपास में दे दी गई है। काफ़ी पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी फिसलन हो रखी है यहाँ पर, बट अभी फ़िलहाल कोई बारिश भी नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा ये पानी जो है वो यहाँ पर कैसे आया। तो ये अब एक घुमावदार मोड़ जो है वो शुरू हो चुका है। टनल के बिल्कुल ठीक बाद एक घुमावदार मोड़ है, जहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी को निकालना होगा। तो अब थोड़ी थोड़ी जो है वो चढ़ाई भी शुरू हो गई है। जब हमने इस टनल में एंट्रेंस ली थी तो काफ़ी ढलान थी, फिर टनल आई, अब ये थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी स्लोपिंग जो है यहाँ पर चढ़ाई दी गई है, हल्के हल्के जो है अब हम इस अंडरपास के दूसरी छोर की तरफ पहुंच रहे हैं। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है फरकपुर कॉलोनी की एंट्रेंस। तो जो पुराना रेलवे फाटक था, जहां से आप पहले क्रॉसिंग करते थे, उसे अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। वहां पर दोनों तरफ मोटी मोटी कंक्रीट की वॉल्स जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। तो अब वहाँ से साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अब फरकपुर के लोगों को जगाधरी वर्कशॉप जाने के लिए या जगाधरी वर्कशॉप के लोगों को फरकपुर जाने के लिए
इसी अंडरपास से होकर गुजरना ही होगा। अगर मैं बात करूं पैदल इस अंडरपास को कितने समय में पार किया जा सकता है, तो मुझे जो है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5.5 मिनट का समय लगा इस अंडरपास के एक छोर से। अब मैं यहाँ पर दूसरे छोर पर पहुँच चुका हूँ और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है आपकी काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई हुई फरकपुर कॉलोनी। इसके सामने बात करें तो इसके सामने जो है वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और अब यहाँ पर आप रेल की पटरियाँ भी जो हैं आप देख सकते हैं। इसके ये आप जो देख रहे हैं ये रेल की पटरियाँ हैं जिसके नीचे से ये अंडरपास जो है वो दिया गया है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अंडरपास जो है वो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।